नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो उत्तम गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति करना प्रत्येक दंपत्ति का सपना होता है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने से और गलत समय पर यौन संबंध बना लेने से दुष्ट प्रकृति की संतानें पैदा हो जाती हैं। शास्त्रों में संध्या काल के समय यौन संबंध बनाना वर्जित किया गया है, लेकिन महर्षि कश्यप की पत्नी दीति के कामग्नि से पीड़ित होने पर संध्या काल के समय बने संबंधों के कारण हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षी नामक दो भयंकर दिव्य प्रकृति के पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका संहार करने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। मित्रों, बताया जाता है कि एक समय की बात है, महर्षि कश्यप संध्या काल के समय होम हवन करने के लिए बैठे। उसी समय उनकी पत्नी दीति आई और उन्होंने महर्षि कश्यप से कहा, हे भगवान, मुझे कामग्नि पीड़ित कर रही है, अतः ऋतु दान कर दीजिए। इस पर महर्षि कश्यप ने कहा, देवी, ये संध्या काल का समय है, ये हवन कार्य और देव पूजा का समय है। तुम थोड़ी देर धैर्य रखो, हवन संपन्न करने में तुम्हारे साथ रमण करूंगा। इस समय सहवास करने से देवताओं तथा धर्म की विरोधी दुष्ट संतान पैदा होती है। स्वामी की बात सुनकर दीति हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और लाल नेत्रों वाली होकर बोली, हे मुनि, इसी समय आप मेरी कामग्नि को शांत नहीं करेंगे तो कामदेव की अग्नि से पीड़ित हुई मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वे कहती हैं कि चाहे जैसी भी संतान पैदा हो, किंतु मेरी अभिलाषा आपको अभी पूरी करनी होगी। दीति की ऐसी बात सुनकर महर्षि कश्यप ने उनसे सहवास किया और फिर स्नानती करके अपने हवन करने में लीन हो गए। कालांतर में दीति को महान बलशाली तीनों लोकों को जीत लेने वाले देवताओं के विरोधी हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों ने अनेक वर्षों तक मात्र अपने अंगूठे के बल पर खड़े रहकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन दोनों ने आशीर्वाद मांगा। उन्होंने मांगा कि देवताओं, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, शेष मनुष्यों, पशाचों तथा चारण आदि किसी भी योनि के प्राणी के द्वारा हमारी मृत्यु ना हो, ना शास्त्रों से, ना गीले पदार्थ से, ना शुष्क पदार्थ से, ना किसी जंतु से और ना ही किसी जलचर से, अन्य किसी प्राणी से हमारी मृत्यु ना हो, ना पृथ्वी में, ना आकाश में, ना उन दोनों के मध्य में, ना उषाकाल में हमारी मृत्यु हो। तब शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ऐसा ही होगा। कालांतर में हिरण्याक्षिपु का प्रह्लाद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान विष्णु का अनंत भक्त था। प्रह्लाद के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्षिपु का वध किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।